मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूँ आज फिलहाल अपने घर पे, आज के मतलब रोज अपने घर पे रहता हूँ और मतलब एक छोटी सी दुकान है वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन फिलहाल जब सब मार्केट बंद है, फिलहाल मैं कई दिन से घर पे ही, क्योंकि मेरा घर बन रहा है तो इसलिए मैं घर पे ही हूँ। तो फिलहाल सब 21 दिन के लिए, आप लोग को पता है कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया है, तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं ये मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और फिलहाल मैं तो मतलब कि घर बनवा रहा था, लेकिन आज से घर बनना भी बंद हो गया, क्योंकि जो मतलब कि लेबर और मिस्त्री थे वो थोड़ा दूरी, बहुत दूरी से, मतलब कि लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी से वो आते थे, तो चूँकि वहाँ से वो यहाँ तक आते तो बीच में पुलिस डंडा मारती ज़रूर से, इसलिए वो भी बंद हो गया। तो अब मैं क्या करूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग एक चीज़ और, मुझे आप लोग से सजेशन लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग मतलब कि कैसी चाहते हैं कैसी वीडियो मैं बनाऊँ इस चैनल पे, क्योंकि जानते हैं कि जो डांस वाला चैनल बना, डांस की वीडियो बनाता था या कॉमेडी वीडियो बनाता था उस पर कॉपीराइट आ जाता था, जिस कारण दिक्कत हो जाती थी। तो फिलहाल मैं घर बैठे कैसी वीडियो बनाऊँ, अगर टेक वीडियो आप चाहते तो मैं टेक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल घूमना तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि घूमूंगा तभी ब्लॉग वीडियो बना सकता हूँ और इंटरव्यू वीडियो भी बना सकता हूँ, या फिर अपने गाड़ी पर। मैंने प्लान बनाया था कि पूरे गाजीपुर के मार्केट, मतलब पूरा गाजीपुर का मार्केट या फिर जो भी फेमस प्लेस है या फेमस दुकानें हैं वो चीज़ आपको दिखाऊं, और किस दुकान में सस्ता क्या मिलता है सब कुछ दिखाने के लिए मैंने सोचा था। लेकिन चूंकि सब लॉकडाउन हो गया तो सब बंद हो गया है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे कैसी वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं अपने एक खेतों की तरफ घूम रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, अभी मैंने पीछे एक वीडियो में दिखाया है, अगर आप लोगों ने केयर किया हुआ तो केयर किया हुआ। ये जो पेड़ है आपको दिख रहा है, ये वाला ये जो है, ये सब ये वाला, चाहे ये वाला या ये वाला, ये जो देख रहे छोटे छोटे अभी पौधे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए, ये पता है किस चीज़ के पेड़ हैं, ये इसको बोलते हैं महोगनी का पेड़, इसका मतलब नाम है महोगनी। इससे पता है क्या होता है, बंदूक के बेट बनते हैं, इसकी लकड़ी के बंदूक के बेट बनते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कि एक तरह से महंगा पेड़ है, ये मतलब कि हमारे एक बगल के अंकल हैं वो लगाए हुए हैं अपने खेतों में। ये पीछे ये लहसुन लगा हुआ है और इधर गेहूँ है। ये फिलहाल भगवान ने ऐसा प्रहार किया पत्थर पानी का कि ये सब सारे गिर चुके हैं। और मैंने मुख्य रूप से मतलब ये इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग हमें बताएं कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ यहाँ पे घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आप लोग कैसी वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं YouTube से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ, टिप्स एंड ट्रिक एंड टिप्स दूँ, क्योंकि मुझे भी लगभग बहुत सारे चीज़ें पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा चैनल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, या फिर टेक वीडियो चाहते हैं, या फिर कैसी वीडियो चाहते हैं, या फिर मनोरंजक कुछ वीडियो चाहते हैं, या फिर मैं कुछ जो अपनी तरफ से एक कुछ वीडियो हमारे चैनल पे होंगी जो अपने से मैंने लिखी थी वो, और उस पर उस वो बोलना कि क्या था पीके की रिपोर्ट करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ वीडियो बनाई थी फनी थी, लेकिन कुछ जानकारी वाली ही चीज़ें थी, तो ऐसी वीडियो बनाऊँ। आप लोग मतलब कि सजेशन दीजिए कैसी वीडियो बनाऊँ। और लास्ट में कुछ बातें करना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने लॉकडाउन किया हुआ है तो फिलहाल आप लोग 21 दिनों तक अपने घर से बाहर ना निकले दोस्तों, और अपने जब तक जितना अपने घर में रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे, इसलिए आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इसी में आप लोग का और देश का भलाई है, क्योंकि अगर आप घर में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक हो सकती है, इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, सेफ रहें। कुछ मैंने फेसबुक पर देखा, कुछ हमारे अपने रिश्तेदार ही थे जो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं इस धरती पर वीर पड़े हुए कि इस परिस्थिति में भी इतने ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी ऐसी पोस्ट फेसबुक वगैरह या फिर ऐसी जगह कुछ जगह पोस्ट कर रहे हैं फालतू के। अरे ठीक है, हम जानते हैं कि आप मोदी विरोधी हैं या बीजेपी विरोधी हैं, वो बहुत दूसरी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उल्टे सीधे पोस्ट मत कीजिए। मैं भी किसी का ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, हाँ, लेकिन जो अगर मैं मोदी जी का मतलब सपोर्टर हूँ, मतलब उनका फ़ैन हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ वो गलत करते हैं, जो चीज़ उनको लगता है कि फैसला गलत है, तो उसको मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे गलत लग रहा है। वैसे भी मोदी जी कोई फैसला गलत लगभग जल्दी कभी देते नहीं है, तो मुझे आज तक कोई फैसला उनका गलत लगा ही नहीं। तो
लेकिन कुछ लोग ऐसे, क्या कहूँ, एक तरह से करे चूतिया पड़े हुए हैं कि फेसबुक पे ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं ना उल्टे सीधे लिख के, कि क्या बताऊँ, इसलिए बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी फेसबुक पे देखता हूँ तो। भाई ऐसी परिस्थिति में तो राजनीति छोड़ दो, कब आप लोग खुद भी जाओगे और दूसरों को भी लेके साथ में जाओगे। और हाँ, फेसबुक मतलब घर बैठ के फेसबुक पे ज्ञान पेलने से कुछ नहीं होता है। आपको मैं बता दूँ कि उससे जिसके घर में हो जा रहा है ना, उससे जाके पूछो कि क्या स्थिति है। तो घर पे बैठे बैठे, अगर आपके घर में नहीं हुआ या फिर आपको नहीं हुआ, तो फिर आप तो बहुत घर बैठे बैठे बहुत कुछ बोल सकते हो, राजनीति कर सकते हो, राजनीति का ज्ञान फेसबुक पर उल्टा सीधा दूसरों को भड़का सकते हो। लेकिन यार जिसके घर में हो गया ना, उससे जाके पूछो। इटली की दशा जाके देखो, उसके वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए कि अब तुम्हारी जनता को भगवान ही बचा सकता है। फिलहाल मतलब कि और भी देशों के लोग वहाँ के डॉक्टर, अभी आज ही दे रहा था न्यूज़ पे कि क्यूबा के डॉक्टर वहाँ पे गए हुए हैं इलाज करने के लिए, वहाँ पे इलाज चल रहा है। लेकिन यार बैठने से, घर बैठे हो तो कुछ अच्छी बातें पोस्ट करो ना, कि फालतू फालतू बातें पोस्ट करने से क्या होगा। इसलिए दोस्तों मैं बस आप लोग से यही करूँगा कि जो फेक न्यूज़ है उसको ना फैलाएं, और अगर जो आपको न्यूज़ लगती है कि नहीं ये करेक्ट है, उसी चीज़ को पोस्ट आप करें। और हाँ, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आपसे मेरी यही गुजारिश है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।